एक दरवाजा ऐसा भी है जिसमें से होकर गुजरने से जन्नत नसीब होती है। इसको ऐसा बताते हैं कि ये ख्वाजा जी के वक्त से है और कि बड़े कड़ाहे में एक बार में 4800 किलो चावल बन सकता है। और यहाँ पे बना हुआ है अकबरी मस्जिद। अकबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने उस वक्त करवाया था। इसमें एक बार में 2200 किलो चावल पक सकता है। और इस फरीदुद्दीन गंज शकर का चिल्लाए मुबारक, तो इस मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज के इस व्लॉग में मैं आया हूँ अजमेर शरीफ दरगाह में और आपको मैं दिखाने वाला हूँ अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनके फुल डिटेल बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत देश एक पुण्य भूमि है। यहाँ ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ जाते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है अजमेर शरीफ दरगाह। कहा जाता है कि अजमेर शरीफ दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हो वो पूरी होती है। यह दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब हम मजार के अंदर एंटर कर चुके हैं और सामने में दिख रहा है ये है निज़ाम गेट। यह अजमेर शरीफ की दरगाह में बने चारों प्रमुख दरवाजों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत आकर्षक दरवाजा है जो कि मुख्य बाजार की तरफ जाता है। और यहाँ पर बना हुआ है अकबरी मस्जिद। अकबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने उस वक्त करवाया था जब जहांगीर के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। दरअसल मुगल सम्राट अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पुत्र रत्न की दुआ मांगी थी। वहीं जहांगीर के जन्म के बाद हुए आगरा से करीब 437 किलोमीटर दूर पैदल चलकर नंगे पैर इस दरगाह पर आए और जियारत पेश की थी। और उसी वक्त अकबर ने इस मस्जिद का निर्माण करने का आदेश दे दिया था। और आज के वक्त में इस मस्जिद में बच्चों को कुरान की तामील दी जाती है। अजमेर शरीफ की दरगाह के सबसे ऊंचे बुलंद दरवाजे के थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सामने की तरफ एक गुंबद की तरह सुंदर सी छतरी है। इसमें एक काफ़ी पुराने प्रकार का पीतल का चिराग रखा है जिसको सहन का चिराग कहते हैं, जो सामने छतरी दिख रही है। इसी दरगाह के अंदर दो काफ़ी बड़े बड़े कड़ाहे रखे गए हैं। कहते हैं चित्तौड़गढ़ से युद्ध जीतने के बाद मुगल सम्राट अकबर ने इस बड़े कड़ाहे को दान किया था जबकि जहांगीर द्वारा छोटा कड़ाहा भेंट किया गया था। तो चलते हैं पहले बड़े कड़ाहे की ओर। आपको बता दें कि बड़े कड़ाहे में एक बार में 4800 किलो चावल बन सकता है। कड़ाहे में रात में खाना बनाया जाता है और रोज सुबह प्रसाद के रूप में यहां आने वाले भक्तों को बांटा जाता है। अब हम चलते हैं छोटे कड़ाहे की ओर, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसको जहांगीर ने दान किया था। इसमें एक बार में 2200 किलो चावल पक सकता है और इसमें सिर्फ जर्दा ही बनता है जो चावल का बनाया जाता है, शुद्ध वेज। इसमें नॉन वेज की मिलावट होती नहीं है, नॉन वेज नहीं डाला जाता है। अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अजमेर शरीफ दरगाह में प्रवेश करने वाला सबसे पहला शख्स मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने 1332 ईस्वी में इस दरगाह की यात्रा की थी। निज़ाम सिक्का नामक एक साधारण शख्स ने एक बार मुगल सम्राट हुमायूं को बचाया था जिसके बाद इनाम के तौर पर उसे यहां का एक दिन का नवाब घोषित किया गया था। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरगाह के अंदर निज़ाम सिक्का का भी मकबरा बना हुआ है। इस दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म सद्भाव की अद्भुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि ख्वाजा साहब ने अपने जीवन के अंतिम 6 दिन खुद को एक कमरे में बंद कर अल्लाह की इबादत की थी और अपना शरीर छोड़ दिया था, इसलिए उर्स का पर्व 6 दिन तक चलता है। वहीं उर्स के दौरान अजमेर शरीफ के रोज़ किए जाने वाले प्रोग्राम में बदलाव किया जाता है। सामने में दिख रहा है आहाते नूर, तो चलते हैं आहाते नूर में। अजमेर शरीफ के हॉल महफिल समा या महफिल खाना में सूफी गायकों द्वारा रोजाना नमाज के बाद बेहद खूबसूरत
दिल को छू लेने वाली कव्वालियाँ गाई जाती हैं, जिसका यहाँ आने वाले भक्त लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरगाह में संदली मस्जिद, आलिया मस्जिद, बाबा फरीद का चिल्ला, बीवी हाफिज जमाल की मज़ार समेत अन्य स्मारक बने हुए हैं। अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में एक दरवाज़ा ऐसा भी है जिसमें से होकर गुजरने से जन्नत नसीब होती है। यह दरवाज़ा साल में केवल 4 बार ही खोला जाता है। इस दरवाजे से गुजरने के लिए अकीदतमंद घंटों तक लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। ख्वाजा साहब के खिदमतगार खादिम बताते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज इबादत के लिए इसी रास्ते को काम में लेते थे। ख्वाजा साहब को अल्लाह ने यह कहा कि जो लोग मक्का मदीना की जियारत नहीं कर पाते हैं, वह यदि इस दरवाजे से गुजर जाएंगे तो उनकी सभी दुआएं और मन्नतें कबूल होंगी। अल्लाह के इसी संदेशे को ख्वाजा साहब ने अपने खिदमतगारों के ज़रिए अकीदतमंदों तक पहुंचाया। इसके बाद दरगाह के जन्नती दरवाजे से होकर पवित्र मज़ार तक जाने के लिए जायरीन उत्सुक रहते हैं। दरगाह के इस दरवाजे को साल में सिर्फ 4 बार ही विशेष मौक़ों पर खोला जाता है। आपको बता दें कि जन्नती दरवाज़ा ख्वाजा साहब के पीर के उर्स पर, वार्षिक उर्स पर और एक बार ईद में और एक बार बकरीद में, बस 4 बार ही खोला जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह के जस्ट बगल में है फरीदुद्दीन गंज सकर का चिल्लाए मुबारक। ये वही जगह है जिस जगह पे फरीदुद्दीन गंज सकर को अध्यात्म का ज्ञान हुआ था। बाबा फरीद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुल्तान में प्राप्त की, जो मुस्लिम शिक्षा का केंद्र बन गया। वहाँ उनकी मुलाकात अपने शिक्षक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हुई, जो बगदाद से दिल्ली जाते समय मुल्तान से गुजर रहे थे। कहते हैं जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई तो वह दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इस्लामी सिद्धांत सीखा। बाद में वे हांसी हरियाणा चले गए। जब 1264 में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई, फरीद ने हांसी छोड़ दिया और उसका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बन गया और वह दिल्ली के बजाय अजोधन, जिसको आज पाक पट्टन शरीफ या पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पर बस गया। अजमेर शरीफ में आज भी बाबा फरीद के उर्स के मौके पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ पे दूर दूर से लोग ज़ियारत करने आते रहते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर के चिल्लाए मुबारक के जस्ट बगल में 2 दरगाहें बनी हुई हैं, जो कि बताते हैं कि ख्वाजा साहब की दोनों बीवियों की मज़ारें हैं ये, और यहाँ पर आके आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। बात करें सफ़ेद संगमरमर से बनी इस मस्जिद का, तो इस मस्जिद का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने आगरा में ताजमहल समेत कई शानदार स्मारक बनवाए हैं, जिनमें से ये मस्जिद एक है। सभी मस्जिदों में से जामा मस्जिद वास्तव में शानदार है। यह मस्जिद 45 मीटर लंबी है और 11 मेहराब हैं। इसकी दीवारों पर फारसी शिलालेख खुदे हुए हैं। यह उन भारतीय स्मारकों में से एक है जो मुग़ल वास्तुकला को दर्शाते हैं। इस मस्जिद के निर्माण के बारे में ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ के राणा के विरुद्ध दूसरी बार युद्ध में सफलता मिलने पर शाहजहां ने प्रतीक के रूप में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर चिश्ती की दरगाह दूसरा मक्का है, तो शाहजहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद नमाज अदा करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि मस्जिद से मज़ार सीधी देखी जा सकती है। दरगाह के दूसरे साइड में बना हुआ है ये वजू खाना। आप दरगाह के अंदर जाने से पहले यहाँ पे वजू कीजिए, या फिर गैर मुस्लिम यहाँ पे अपने हाथ पैर धो के तो फिर अंदर दरगाह के अंदर जाएंगे। दरगाह के अंदर जाने के लिए दरगाह के कुछ अपने नियम हैं जो मानने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे
खुले सिर नहीं जा सकते हैं और ना ही वेस्टर्न कपड़ों में दरगाह के अंदर घुस सकते हैं। इसलिए अगर आप दरगाह जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि साड़ी या सूट पहनकर जाएं, क्योंकि दरगाह में आपको सिर ढकना होगा, जिसके लिए आपको कपड़े की आवश्यकता होगी। दरगाह का दूसरा नियम है कि बिना हाथ पैर साफ किए दरगाह में प्रवेश नहीं कर सकते। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इतना पानी आता कहाँ से है, दरगाह में पानी सप्लाई कहाँ से होता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि पानी आता कहाँ से है। दरगाह में बना है एक जहलरा, या फिर यूँ कह लें बावड़ी, जहाँ से पानी सप्लाई होता है। ये है वो जहलरा। इसके बनने की तो कहानी मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको ऐसा बताते हैं कि ये ख्वाजा जी के वक्त से है और दरगाह के पवित्र कामों में इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, यूट्यूब कहता है कि अपने दर्शकों को बार बार ये याद दिलाते रहें कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो अजमेर आने का प्लान बना रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। मेरी वीडियो पे अजमेर के ऐसे बहुत से वीडियो अपलोड हैं जिसे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन देश के सभी रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप अजमेर जंक्शन तक आ सकते हैं। अजमेर से जंक्शन से दरगाह की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल भी तय कर सकते हैं। अगर आप सड़क द्वारा आना चाहते हैं तो अजमेर राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी बाइक लेकर या फिर टैक्सी लेकर आ सकते हैं। हवाई जहाज़ से अगर आना चाहते हैं तो हवाई जहाज़ सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर है। वहाँ से जयपुर से इसकी दूरी 140 किलोमीटर है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और बहुत सी वीडियो जो है तारागढ़ पहाड़ी की आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, और एंड स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और मुझ पर भी दुआ बनाए रखना।